हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रिया टीचर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको इस वीडियो में फोर्थ स्टैंडर्ड का ध्वज गीत, मतलब फ्लैग फ्लैग वाला गीत रहता है ना, ध्वज गीत, हाँ वो मैं आज आपको यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको रीड करके बताती हूँ। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन के पक्के हैं। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, आज़ादी पर इठलाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, अपना पथ कभी न छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे, आज़ादी पर इठलाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, हम भय से कभी ना डोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे, भारत की जय जय बोलेंगे। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, अपना सिर भेंट चढ़ाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे, आज़ादी पर इठलाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन के पक्के हैं, आज़ादी पर इठलाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका ध्वज गीत। ओके स्टूडेंट, देखिए ये पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, देखो ये बच्चे कैसे चल रहे हैं ऊपर ऊपर, और देखो हाथ में झंडा लिए है, अपना ध्वज लिए है, फ्लैग लिए है। ओके स्टूडेंट, तो वो क्या बोल रहे हैं, हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, हम कैसे बच्चे हैं, नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं। अब भले हमारी उम्र क्या है, कच्ची है, मतलब हम इतने बड़े बच्चे नहीं है। ओके स्टूडेंट, पर अपनी धुन के पक्के हैं, लेकिन हमने जो काम, हमको जो काम करना है, हमारा जो निर्णय है वो कैसा है, एकदम पक्का है। ओके स्टूडेंट, आज़ादी पर इठलाएंगे, मतलब हमें आज़ादी मिली है तो हम उस पर क्या करेंगे, इठलाएंगे, हम लोग नखरा करेंगे, हाँ हमको आज़ादी मिली है, और इसका इसके बाद भारत का ध्वज फहराएंगे, और हमको क्या करना है, भारत का ध्वज फहराएंगे, तो हम क्या करेंगे, फ्लैग होस्टिंग वहाँ पे करेंगे। अपना पथ कभी ना छोड़ेंगे, तो हाँ बच्चों ये क्या बोल रहे हैं, अपना पथ, पथ मतलब रास्ता, रोड, हम अपना पथ कभी नहीं छोड़ेंगे, रोड कभी नहीं छोड़ेंगे, रास्ता कभी नहीं छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी ना तोड़ेंगे, प्रण मतलब वचन, प्रण मतलब क्या, वचन, प्रॉमिस, हमने जो प्रॉमिस किया है वो हम कभी नहीं तोड़ेंगे, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, और हम अपनी हिम्मत से क्या करेंगे, रिलेशन जोड़ देंगे, नाता जोड़ेंगे। हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, ये बच्चे क्या दिख रहे हैं मालूम है स्टूडेंट, हिमगिरी मतलब हिमालय की पर्वत है ये, वहाँ पे क्या, हिम मतलब बर्फ है, हाँ आइस है वहाँ पे सब। हमें हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, और हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, हम किस पर चढ़ेंगे, बर्फ के पर्वतों पे भी चढ़ेंगे, और वहाँ पर भारत का ध्वज फहराएंगे। ओके स्टूडेंट, वहाँ पे क्या करेंगे, भारत का ध्वज हम लोग फहराएंगे। हम भय से कभी ना डोलेंगे, और हम भय आएगा तो कभी भाग नहीं जाएंगे, कभी नहीं डोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे, हमको पता है हमारी ताकत क्या है। ओके स्टूडेंट, हमें पता है कि हम अगर तो भी नन्हे बच्चे हैं, उम्र के कच्चे हैं, तो भी क्या है, अपनी धुन के हम लोग पक्के, मतलब हम हमारा डिसीजन चेंज नहीं करेंगे। तो ये पोएम हमें किस लिए लिखी है, सोहनलाल द्विवेदी ने लिखा है। ओके स्टूडेंट, अपनी ताकत को तोलेंगे, भारत की जय जय बोलेंगे, और भारत की क्या बोलेंगे, जय जय बोलेंगे, अपना सिर भेंट चढ़ाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, अपना सिर भेंट चढ़ाएंगे,
और भारत का ध्वज फहराएंगे। एक बार हम मर जाएंगे अपना सिर बेर चढ़ेंगे, मतलब क्या, भारत की आज़ादी के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्वज तो फहराना ही है, लेकिन अगर टाइम आया तो हम मर मिटने को भी रेडी है, अपना सिर भेंट चढ़ाएंगे भारत माता को। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका पोयम भारत माता का ध्वज फहराएंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ, ये देखिए उनके हाथों में क्या है, फ्लैग है। ओके, और ये सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है ये पोयम ध्वजगीत, आपको अपने गुड हैंडराइटिंग में अच्छे से नोटबुक पे लिखना है। ओके स्टूडेंट, हाँ ये देखिए वाक्य पढ़ो और शब्दों को काटो। घोड़ा घास खा पी रहा है, घोड़ा घास खा रहा है, घोड़ा घास पी रहा है, तो गलत शब्दों को काटना है। बिल्ली दूध पी रही है, बिल्ली दही पी रही है, तो दही को काटना है। हम पुस्तक पढ़ लिखे रहे हैं, हम पुस्तक पढ़ लिख रहे हैं या हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो लिख को क्या करना है, काट देना है। मेरा नाम अजय है, मेरी नाम अजय है, तो मेरी को कट करो। पायल गांव जा रही है, जा रहा है, पायल गांव जा रही है, तो जा रहा है को क्या करना, कट करना है। हर्ष कबड्डी खेलती है, खेलता है, हर्ष कबड्डी खेलता है। चित्र देखकर वाक्य पूर्ण करो। यह गेंद है, इसका रंग लाल तथा पीला है, इसका आकार वृत्त है, मतलब गोल है। यह खेलने के काम आता है, यह मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका लेसन। ये देखिए, ये भी दिखा रही हूँ, ये देखिए बंदरों का, इसमें ये चीज़ें बंदरों का, देखो उसने कैप डाली है। चित्र का निरीक्षण करके कहानी कहो, ये देखिए ना क्या कैप वाला होता है, और वो कैप वाला कैप लेके आता है और वो थक जाता है, दूसरी गांव से आता है, तो यहाँ पे थोड़ा थक जाता है तो सो जाता है, तो ये जो कैप वाला है, हाँ कैप सेलर है, वो कैप सेलर अपनी टोपियाँ यहाँ पे रख जाता है, और जो वो बंदर और जो वो पेड़ के नीचे सोता है, वो पेड़ के ऊपर क्या बैठे रहते हैं, बंदर, हाँ वहाँ पे क्या बंदर बंदर बिठाए रहते हैं, बैठे रहते हैं, और जब वो सो जाता है तो सब बंदर क्या कर जाते हैं, अपने अपने उसकी कैप उठा के अपने अपने सर पे डाल लेते हैं। देखो कोई चश्मा लगाता है, कोई ये कैप डालता है, देखो स्टूडेंट्स। ओके, और इसके बाद जब वो उड़ जाता है तो क्या हो जाता है, उसको बहुत गुस्सा आता है कि मेरी कैप और चश्मा सब बंदरों ने ले लिया है। उसके बाद वो बहुत आइडिया करता है, क्या करता है, खुद की टोपी ज़मीन पे पटक देता है, तो और चश्मा भी पटक देता है, तो सब बंदर उसका देख के अनुकरण करते हैं, और क्या करते हैं, वो भी अपनी कैप और ये जो चश्मा लगाए हैं वो क्या करते हैं, ज़मीन पे फेंक देते हैं, और ये जो कैप सेलर है वो सब अपनी चीज़ें उठा के गांव की तरफ चला जाता है। ऐसी ये स्टोरी है, हाँ हाँ, बंदर और टोपी वाला। कितने बंदरों ने चश्मा पहना है, देखो कितने बंदरों ने पहना है, 1 और 2, तो 2 बंदरों ने। बंदरों ने सिर पर क्या पहनी है, क्या पहनी है, टोपी पहनी है। कितने बंदरों के हाथ में गेंद है, कितने बंदरों के हाथ में गेंद है, गेंद मतलब बॉल, देखिए बॉल एक ही। ओके, एक फूल कहाँ है, फूल कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, पौधे पर, फूल कहाँ पर है, पौधे पर है। ओके स्टूडेंट्स, हाँ तो देखिए ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ओके, अभी ये मैंने आपको दिखाया, अभी आपको ये 4th स्टैंडर्ड का लास्ट लेसन का वर्कबुक मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए देखिए स्टूडेंट, हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हम हिमगिरी से चढ़ जाएंगे, हम भय से कभी ना डोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे, अपना पथ कभी ना छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी ना तोड़ेंगे, अपना सिर भेंट चढ़ाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे, पक्का हिम्मत इटलाना ध्वज नादान हिमगिरी, त भार भारत हिम्मत आज़ाद अभिमान। ओके स्टूडेंट, देखिए ये आपको दिखा रही हूँ कि स्वतंत्र सेनानी का नाम लिखना है, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ये ऐसे फ्लैग बनाना है। ओके स्टूडेंट, ये देखिए ये भी बंदरों का जो मैंने दिखाया था,
यह भी आपको क्या करना है, अच्छे से आपके नोटबुक में लिखना है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है, यहाँ पे लड़का लड़की, ऊंट ऊंटनी, शेर शेरनी, घोड़ा घोड़ी, मुर्गा मुर्गी। ओके स्टूडेंट, ये देखिए इसमें भी वही दिया है, ये देखिए लिंग पहचानो, वही देखो बंदर बंदर बंदरिया। ओके हाँ, ये देखिए वही है, इसके लिए ये क्या है, लिंग बदलना है। और आपको ये सब क्या करना है, आपके नोटबुक में अच्छे से लिखना है और नोटबुक में सेम मुझे सेंड करना है अच्छे से। ये देखिए 15 कड़ी पूरा करना, मतलब जैसे 12 कड़ी है तो दो वो चीज़ लगा दी है, कॉपी लगा दिया है उसमें, स सा सी सी सु सु श्रु से सई सो सौ सम सा सै और सौ, ये 15 कड़ी होती है। ओके स्टूडेंट, ये आपको नोटबुक में अच्छे से मुझे लिख के भेजना है और सेम नंबर पे सेंड करना है। ओके स्टूडेंट, देखिए ये था आपका होमवर्क, ये मैं आपको पेजेस दिखा रही हूँ। देखिए ध्वज गीत का भी मैंने आपको पेजेस, वर्कबुक का पेजेस मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आप अच्छे से नोटबुक में लिख सके। ओके स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ अच्छे से। ओके गुड, तो आपको क्या करना है, अभी ये सब चीज़ें हमको क्या करनी है, ये देखिए वाचन कुटी का भी मैं दिखा रही हूँ। देखिए मिट्टी का और ये छोटा ग्राहक, ये देखिए मैं आपको सब चीज़ें दिखा रही हूँ। सच्चा मित्र का दिखा रही हूँ, देखो अच्छे से आपको आना चाहिए इसके लिए। इसके बाद मैं क्या करूँगी, ग्रुप पे वर्कबुक का मैं भेज ही दे दूँगी, लेकिन तो भी आपके पास होना चाहिए इसके लिए। ये देखिए सच्चा मित्र का, और ये स्टोरी है अच्छे से, सी हियर। ओके स्टूडेंट, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ अच्छे से, मेरी गुड़िया। ओके ये सब हमारे क्या है, लेसन है, तो ये अच्छे से आपको नोटबुक में आने चाहिए। शेर और चूहा, ये देखिए इसका भी मैंने आपको दिखा दिया है अच्छे से, सी हियर। वर्कबुक छोटा ग्राहक का भी दिखा दिया है, देखो मैं आपको दिखा रही हूँ अच्छे से। नोटबुक में क्या करना है, आपको ड्राइंग करना है, क्वेश्चन के आंसर आपको बनाने है। ये देखिए मैं हूँ कौन का भी, मैं हूँ कौन का भी मैं आपको दिखा रही हूँ अच्छे से, आपको देखना है और क्या करना है, स्टॉप करके लिख के मुझे सेम नंबर पे सेंड करना है। सुखी परिवार का भी मैंने, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ सुखी परिवार का भी, ये देखिए सुखी सुखी परिवार का भी वर्कबुक का पेजेस, मतलब आप इसको अच्छे से देखकर नोटबुक में लिख के मुझे सेम नंबर पे सेंड करना। वाचन कुटी भी मैं आपको बता रही हूँ, देखिए ओके स्टूडेंट सी हियर। ओके हाँ, और ध्वज गीत का भी, अभी अभी जो लेसन पोएम लिया है उसका भी मैं आपको दिखा रही हूँ। वर्कबुक ऐसा ही आएगा, क्वेश्चन आंसर 80 से 62 करना है और मुझे सेम नंबर पे सेंड करना है। 62 करके वन टाइम लिखने का ट्राई आप कीजिए। ओके स्टूडेंट, देखिए ये अच्छे से आपको करना है, मैंने सबका वर्कबुक का पेजेस आपको दिखा दिया है इसके लिए। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका लेसन। ओके स्टूडेंट, तो क्या करना है, आपको अच्छे से होमवर्क करना है। ओके स्टूडेंट, अगर कोई डिफ़िकल्टीज आती है तो मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट, बाय, टेक केयर। ओके